अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हमारी यूट्यूब चैनल लर्न विद वफा में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। दोस्तों, हमने बात की पिछले लेक्चर्स में जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हर किसी एंगल के बारे में हमने जानने की कोशिश की और वो टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया है। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 21 है, हमारे इकोनॉमिक्स सेक्शन का, जो हम इकोनॉमिक्स का सेक्शन अभी डिस्कस कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 21 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का नाम है गवर्नमेंट बजट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम फ्रेंड्स से गुजारिश है, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलिए हम ये लेक्चर नंबर 21 विच इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट बजट, चलिए हम ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बजट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे अपनी बजट बनाता है और कैसे इसको रेवेन्यू हासिल होता है, कैसे ये एक्सपेंडिचर करता है, ये सब चीज़ें, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स आज हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमारे घर में एक रेवेन्यू साइड होता है, यानी हमारी कुछ इनकम होती है, घर में कुछ लोग कमाते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, और दूसरा स्फीयर जो एंगल जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर का, यानी दूसरा एंगल वो है जहां पर हम एक्सपेंडिचर करते हैं, यही कमाया हुआ पैसा खर्च करते हैं। तो इसी तरह से गवर्नमेंट का भी हाल है, गवर्नमेंट के भी कुछ सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, गवर्नमेंट की भी कुछ इनकम होती है और गवर्नमेंट भी इस इनकम को एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है, ये खर्चा करती है। तो दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा जब फरवरी का मंथ आता है, फरवरी फर्स्ट, इट्स अ वेल नोन डेट इन इंडिया, ये एक मशहूर डेट है इंडिया में, क्योंकि ये वो डेट है जिस डेट पर इंडिया का यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एनुअल बजट प्रेजेंट करता है। तो ये बजट जो है ये पार्लियामेंट के दो हाउसेस में प्रेजेंट किया जाता है ऑन द फर्स्ट ऑफ फरवरी ईच ईयर, एवरी ईयर, और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ये बजट प्रेजेंट करता है। और इस बजट के मकसद क्या होते हैं, इस बजट से दो चीजें हमें पता चलती हैं। This budget unfolds two things. इससे दो चीजें हमें पता चलती हैं। एक के last one year में government की performance क्या रही है? What has been the financial performance of the government over the past one year? पिछले एक साल के लिए government की financial performance क्या रही है? और अगले एक साल के लिए गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज क्या है? इन दो चीजों का सवाल हमें मिलता है जब हम बजट की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट अपनी बजट प्रेजेंट करता है, तो ये दो चीजों का सवाल, ये जवाब हमें मिलता है कि पिछले एक साल के लिए गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो क्या रही है और अगले एक साल के लिए गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज वो क्या है, ठीक है। और ये जो प्रोग्राम्स और पॉलिसीज होते हैं गवर्नमेंट के, जो बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं, उनको कहा जाता है बजटरी पॉलिसी, ठीक है। तो बजटरी पॉलिसी या जो हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ी थी, ये बजटरी पॉलिसी क्या होती है, ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं जो बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं, और इसी का दूसरा नाम है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी वो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स हैं जो बजट में प्रेजेंट किए जाते हैं। अब ये जो बजटरी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, या जिसको हम फिस्कल पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है इसका रेवेन्यू एस्पेक्ट, यानी वो एस्पेक्ट जहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है, गवर्नमेंट की इनकम आती है, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट, यानी वो स्फीयर्स जहां पे गवर्नमेंट ये कमाया हुआ पैसा खर्च करती है, ठीक है। तो बजट जो है
बजट में दो एस्पेक्ट्स हाईलाइट किए जाते हैं, एक है रेवेन्यू एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट की इनकम कहां कहां से आएगी, और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट कि ये गवर्नमेंट जो है ये जो इनकम इसकी आएगी वो किन चीजों पे खर्च करेगी इस साल में। ठीक है, तो ये चीजें होती है बजट में हाईलाइटेड, ये दो चीजें, रेवेन्यू एस्पेक्ट एंड एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। सो ऑन द रेवेन्यू साइड द बजटरी पॉलिसी अनवील्स एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू साइड जो है इसमें क्या हाईलाइट किया जाता है, इसमें अनवील किया जाता है कि एक्सपेक्टेड रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को किन किन स्फीयर से, कौन से स्फीयर्स, कौन से सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, कौन से स्फीयर्स हैं जहां से गवर्नमेंट को एक्सपेक्ट है कि वहां से रेवेन्यूज को मिल सकता है। और एक्सपेंडिचर साइड की अगर हम बात करें तो यहां से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट को कहां से एक्सपेंडिचर, यानी किन किन चीजों पर एक्सपेंडिचर करना है, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कहां पे होना है। ठीक है, तो दो चीजें हम देखते हैं, एक तो रेवेन्यू एस्पेक्ट है, दूसरा है एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट। रेवेन्यू एस्पेक्ट में हम देखते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड इनकम कहां से आएगी, यानी गवर्नमेंट कहां कहां से एक्सपेक्ट करता है कि इनकम यहां यहां से आएगी, और एक्सपेंडिचर साइड से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट किन किन चीजों पर एक्सपेक्ट करती है कि यहां पर हमारा एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है ये हाईलाइट होती है बजट में, और इसी बजटरी रेवेन्यू और बजटरी एक्सपेंडिचर को मैनेज करते हुए गवर्नमेंट ट्राई करती है कि जीडीपी ग्रोथ हो जाए हमारी कंट्री में। ठीक है, अलोंग विद स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। सो फ्रेंड्स, हैविंग अंडरस्टूड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो ये बेसिक चीजें समझने के बाद अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट क्या होती है। ठीक है, बजट के डेफिनेशन जानने की हम कोशिश करेंगे। तो यहां पे हमने बजट की डेफिनेशन दी है, गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर टू फॉलो दैट रिवील्स द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव द ट्विन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। देखिए, गवर्नमेंट बजट जो होती है ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सपेक्टेड रिसीट्स होते हैं, यानी किन किन चीजों से, किन किन सोर्सेज से हमें एक्सपेक्ट है रेवेन्यू आएगा, एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर होता है यानी किन किन चीजों पे हमें एक्सपेक्ट है कि एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर और एक्सपेक्टेड रिसीट्स जो होते हैं ये आने वाले एक साल के लिए होते हैं, आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होते हैं, और हमें पता है कि इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल 1 से मार्च 31 तक होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा अप्रैल 1 2020 से स्टार्ट हुआ, अब अगले साल 2021 मार्च 31 2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर कंटिन्यू रहेगा। तो ये फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रहा है 2020-21, ठीक है, तो ये हमारा आज का ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो गवर्नमेंट बजट जो होती है ये एक स्टेटमेंट होती है, एक्सपेक्टेड रिसीप्ट यानी एक्सपेक्ट कहां से है रेवेन्यू, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर यानी किन किन चीजों पे एक्सपेक्टेड है कि एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले साल के लिए होता है, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, इंडिया में एक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल 1 से मार्च 31 तक होता है। ठीक है, तो अब जो ये स्टेटमेंट होता है ये रिवील करता है बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इससे हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी पता चलती है, गवर्नमेंट कहां से सोर्सेज ऑफ इनकम कौन कौन सी है और ये कहां कहां पे एक्सपेंडिचर करने वाला है। ठीक है, तो इससे हमें गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी का पता चलता है, और इसका मकसद क्या होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इससे ट्विन दो ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहती है, एक ग्रोथ और दूसरी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब यही दो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, और भी बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट। ठीक है, बजट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो ये बहुत बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहां पे हाईलाइट किए गए हैं, गवर्नमेंट ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये हमने जानने की कोशिश की कि गवर्नमेंट बजट क्या होती है। तो सिंपल में हम कहेंगे गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है गवर्नमेंट के पास, जो 1 फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, और इसमें होता है एक्सपेक्टेड रिसीट्स कहां से आएंगे, रेवेन्यू कहां से आएगा, और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर कहां पे हो जाएगा, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर जो है ये एक अगले आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है, और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी अनवील हो जाती है, और उसका मकसद होता है कि गवर्नमेंट ग्रोथ और स्टेबिलिटी इकोनॉमी में लाए।
तो ये चीज हमने अभी तक डिस्कस की। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है इसके आर्टिकल 112 में बजट के बारे में बात की गई है। तो आर्टिकल 112 जो है इंडिया का, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें बजट के लिए ये टर्म यूज की गई, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड इनस्टेड ऑफ बजट। बजट का लफ्ज कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है। ये चीज आपको याद रखनी है कि बजट का वर्ड जो है, दिस बजट वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड द वर्ड द एक्सप्रेशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन यूज्ड इनस्टेड ऑफ बजट। ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सप्रेशन वहां पर यूज की गई है आर्टिकल 112 में। ठीक है, तो आर्टिकल 112 में सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट के बारे में बात की गई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है बिफोर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। इसी तरह से आर्टिकल 202 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 202 में स्टेट बजट की बात की गई है, दैट एवरी स्टेट रिक्वायर्स टू प्रिपेयर एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हर किसी स्टेट को बनाना है फॉर द कंसर्न स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये प्रिपेयर करना, ये प्रेजेंट करना है बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट आर्टिकल 112 में और स्टेट गवर्नमेंट की बजट आर्टिकल 202 में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, यानी गवर्नमेंट बजट के कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स को लेके, किन मकासिद को लेके गवर्नमेंट यह बजट प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो कौन कौन से मकसद होते हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं गवर्नमेंट के इस बजट को प्रेजेंट करने में। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है बजट का वो है जीडीपी ग्रोथ, यानी जीडीपी ग्रोथ हो जाए इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में। इस जीडीपी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट दो तरीके इस्तेमाल करती है, एक होता है बाय मेकिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, एक तो इस तरीके से, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो फर्दर इनकम जनरेट होती है और इससे इकोनॉमी की, इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जिससे इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी इंड्यूस करने से जीडीपी ग्रोथ हो जाती है। तो ये दो चीज़ें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट, तो इन दो इन्वेस्टमेंट्स की वजह से जीडीपी में ग्रोथ लाई जाती है और ये एक ऑब्जेक्टिव होता है जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट बजट का। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, यानी कुछ रीजन्स हमारी कंट्री में ऐसे होते हैं जो बहुत ही बैकवर्ड रीजन्स होते हैं, जो बहुत ही पुअर रीजन्स होते हैं, इन रीजन्स को डेवलप करने के लिए, इन रीजन्स की ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट ये बजट प्रिपेयर करती है और उन रीजन्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन्स रखती है इस बजट में। ठीक है, सो द फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन ऑफ द कंट्री, जो भी बैकवर्ड रीजन होते हैं कंट्री में उनको डेवलप करने के लिए ये फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की, ये उस पर फोकस करती है। ठीक है, लेकिन ये कैसे अचीव किया जाता है ये ऑब्जेक्टिव, ये अचीव किया जाता है थ्रू लिबरल टैक्स लॉज फॉर बैकवर्ड रीजन, कि बैकवर्ड रीजन के लिए लिबरल टैक्स लॉज रखे जाते हैं, यानी उनको ज्यादा टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते हैं इस तरीके से, या कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे जाते हैं, मॉनेटरी पैकेजेस दिए जाते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल पैकेजेस उनको दिए जाते हैं, तो इस तरीके से उनको, उनकी जो डेवलपमेंट है वो की जाती है। ठीक है, बैकवर्ड रीजन्स की, तो इसलिए गवर्नमेंट बजट का एक मकसद ये भी होता है कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो जाए, यानी तमाम रीजन्स जो है कंट्री के वो, उनकी ग्रोथ एक बैलेंस में रहे। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का वो है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। देखिए हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुअर होते हैं और कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो बहुत रिच होते हैं। ठीक है, सो दीज इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस दीज लाई इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज है ये हमारी कंट्री, ये इकोनॉमी में एग्जिस्ट होती है, मौजूद होती है। अब जो रिचर सेक्शन है इकोनॉमी का,
गवर्नमेंट उन पे ज्यादा टैक्सेस इंपोज करती है, ठीक है। द गवर्नमेंट इंपोजेस हैवी टैक्सेशन ऑन हाई इनकम ग्रुप्स, जो हमारी इकोनॉमी के हाई इनकम ग्रुप्स होते हैं उन पर गवर्नमेंट हाई टैक्सेस इंपोज करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है इसी इनकम को अमंग द पुअर सेक्शंस, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो गरीब लोग जो है, पुअर सेक्शंस जो है हमारी सोसाइटी के, उन्हीं को ये पैसा दिया जाता है, जो रिचर सेक्शंस से एज टैक्स वसूल किया जाता है, वही मनी, वही इनकम जो है वो पुअर सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से इनकम एंड वेल्थ में जो डिस्पैरिटीज थी, डिफरेंसेस थी, वो बैलेंस में आ जाती है। तो ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ करती है गवर्नमेंट थ्रू दिस बजट। ये एक बजटरी पॉलिसी होती है, इसमें हैवी टैक्सेशन इंप्लीमेंट की जाती है उन सेक्शंस के लिए जिनके पास जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, और यही फिर इनकम वीकर सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसी तरह से गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज, गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड एंड अदर एमिनिटीज, अदर फैसिलिटीज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उन पीपल्स के लिए जो लो लेवल इनकम के होते हैं, जो पुअर पीपल होते हैं, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं लोग, तो उनके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है या बाकी फैसिलिटीज भी देती है। This increases their disposable income. इससे उनकी इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, डिस्पोजेबल इनकम मीन्स वो इनकम जो आपके पास रेडी हो और आप उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हो, ठीक है। एंड दिस रिड्यूसेज द इनइक्वालिटीज, तो इससे क्या होता है, डिस्पोजेबल इनकम उनकी इंक्रीज हो जाती है और इनइक्वालिटी खत्म हो जाती है। और एक ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, reallocation of resources in the manner such that there is a balance between the goals of profit maximization and social welfare. देखिए, जब हमने economics की definition पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि economics का मतलब ये होता है कि allocation of resources उस manner में हो जाए ताकि जो producer हो उसका profit maximize हो जाए और society का social welfare maximize हो जाए। तो budget का भी यही मकसद होता है कि allocation of resources इस अंदाज में हो जाए, इस बैलेंस में हो जाए, ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए और सोशल वेलफेयर भी हो जाए, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स हासिल हो सके, इस तरह से एलोकेट रिसोर्सेज हो जाए। तो बजट का ये भी मकसद होता है और गवर्नमेंट अपनी बजटरी पॉलिसी को इन रिसोर्सेज को अच्छी तरह से, अच्छे अंदाज में एलोकेट करने में यूज करती है, ठीक है। तो ये भी कैसे किया जाता है, दिस इज ऑल्सो डन बाई इम्पोजिंग हायर रेट ऑफ टैक्सेशन ऑन गुड्स हुज प्रोडक्शन इज टू बी डिस्करेज्ड, ठीक है। तो ये कैसे किया जाता है, देखिए, जब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात आती है तो गवर्नमेंट उन चीजों पर ज्यादा टैक्स इंपोज करती है जिनकी प्रोडक्शन की कम जरूरत होती है, ठीक है, और जिन गुड्स की प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत होती है उन पर सब्सिडीज देती है, उन पर टैक्सेस नहीं लगाती, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें बैलेंस में आ जाती है। बजट का और एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, इन द बजट गवर्नमेंट कैन मेक वेरियस प्रोविजन टू मैनेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं, इन्हें जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, उनको मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट कुछ प्रोविजन रखती है इस बजट में, ठीक है, और इनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को। और लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का, वो होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट बजट एक टूल है, एक हथियार है गवर्नमेंट के हाथ में, जिस टूल को यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को मेंटेन करती है, ठीक है, यानी इन्फ्लेशन को कम करती है, डिफ्लेशन को ज्यादा करती है और एक मेंटेन बैलेंस करती है ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इस बजट, गवर्नमेंट बजट का एक खास मकसद होता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट की, कि बजट कि कितनी टाइप्स होती हैं। तो यूजुअली बजट की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है, बैलेंस्ड बजट, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। तो पहले बात करेंगे बैलेंस्ड बजट की। गवर्नमेंट की बजट को तब बैलेंस्ड बजट कहा जाता है जब इसके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एंटिसिपेटेड रिसेप्ट्स, यानी जितना इसका एक्सपेक्ट होगा रेवेन्यू, इस साल में हमारा इतना रेवेन्यू आएगा, उसी के बराबर होगा इसका एक्सपेंडिचर भी, यानी इसके बराबर, यानी हमारा एक्सपेंडिचर भी इतना ही होगा। तो जब ये कंडीशन होगी कि एक्सपेंडिचर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू एंटिसिपेटेड रिसेप्ट्स, एट दैट टाइम द बजट विल बी नोन एज बैलेंस्ड बजट। अब सरप्लस बजट की बात करेंगे। बजट को तब कहा जाएगा सरप्लस बजट
when the expected revenues surpass the expected expenditures, यानी जब एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा रेवेन्यू, यानी जब इनकम ज्यादा आएगी और एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है, यानी इनकम जो है गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, एंटिसिपेटेड रेवेन्यू वो ज्यादा होगा लेकिन एक्सपेंडिचर उससे कम होगा, तो उस लिहाज में बजट को कहा जाएगा सरप्लस बजट, ठीक है. सो हियर द बजट बिकम्स सरप्लस, यहां पे बजट होगी सरप्लस क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर कम होगा, ठीक है. व्हेन टैक्सेस इंपोज्ड आर हायर देन एक्सपेंसेस, जब टैक्सेस ज्यादा होंगे तो इनकम गवर्नमेंट की ज्यादा आएगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, एक्सपेंडिचर कम होगा, तो उस टाइम कहा जाएगा सरप्लस बजट. और डेफिसिट बजट क्या होती है, अ बजट इज ऑन डेफिसिट इफ द एक्सपेंडिचर सरपासेस द रेवेन्यू फॉर अ डेजिग्नेटेड ईयर, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा अब लेकिन रेवेन्यू कम होगा, यानी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो ज्यादा होगा लेकिन रेवेन्यू इसका जो एंटिसिपेटेड रेवेन्यू है, जो इसकी इनकम लेवल है वो कम होगी, तो उस लिहाज में कहा जाएगा बजट को डेफिसिट बजट. सो देयर आर फ्रेंड्स थ्री टाइप्स ऑफ बजट, बैलेंस्ड बजट व्हेन द एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एंटिसिपेटेड रेवेन्यू, सरप्लस बजट व्हेन द एक्सपेंडिचर इज लेस देन रेवेन्यू और रेवेन्यू इज लेस ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, एट दैट टाइम इट विल बी नोन एज सरप्लस बजट. एंड डेफिसिट बजट when the expenditure is more than revenue or revenue is less than expenditure, at that time it will be known as deficit budget. तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर. इस लेक्चर में हमने जानने की कोशिश की कि बजट क्या होती है, गवर्नमेंट कब बजट प्रेजेंट करता है, इस बजट में कौन कौन सी चीज़ें हाईलाइट होती हैं और इस बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और बजट के टाइप्स क्या होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये आज हमने बेसिक्स आपकी क्लियर की. इसके बाद एक अहम टॉपिक है हमारा बजट के रिलेटेड जो है कंपोनेंट्स ऑफ बजट, तो वहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट की का रेवेन्यू कहाँ से आता है और किन किन तरीकों से गवर्नमेंट का रेवेन्यू आता है और कहां कहां पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है. इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें अगले लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह. हम अगले लेक्चर को जल्दी ही आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, तो तब तक के लिए आप ये लेक्चर देखें, ये पूरा लेक्चर देखें और इस पूरे लेक्चर में जितना भी हमने डिस्कस किया है इस पूरे लेक्चर को समझने की कोशिश करें. और लास्ट में मेरी तरफ से एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हम इस इकोनॉमिक्स के लिए आप लोगों के लिए एक ई बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से हमारे फ्रेंड्स जो हैं वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और मैसेजेस डाल रहे हैं व्हाट्सएप पे कि हमें ई बुक चाहिए, हमें पीडीएफ चाहिए, इस तमाम जो नोट्स हैं हमारे, तमाम जो हमारे लेक्चर्स हैं उनका पीडीएफ चाहिए. तो इंशाल्लाह वेरी सून वे लॉन्च आवर पीडीएफ बुक, जो हमारी ई बुक होगी इकोनॉमिक सेक्शन की, वो तमाम जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर हो जाएंगे और प्लस उसमें मोर देन 500 एमसीक्यूज, एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज, जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होंगे एग्जाम में वो हम डालेंगे उसमें. तो ये सारा कुछ आप लोगों के लिए आ जाएगा इंशाल्लाह विद इन स्पैन ऑफ 10 डेज. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ हो जाएगा. तो तब तक आप सारे वीडियोज देखें, पूरे लेक्चर्स को रिवाइज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज. Peace.